नमस्ते फ्रेंड्स, मना फिटनेस में आपका स्वागत है। आज की जो मैं सिंपल सी दो एक्सरसाइजेस करके बताऊंगी, अगर आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं योगा के थ्रू, तो ये वाले जो दो आसन रहेंगे, तो अगर आप अपने डेली रूटीन में मॉर्निंग एंड इवनिंग करेंगे खाली पेट, जब आप मॉर्निंग करें तब तो आपका खाली पेट रहने से पहले आप मीन्स खाना खाने से आप पहले करें, एंड जब इवनिंग में करें तो कम से कम जो है 5 से 6 घंटे का डिस्टेंस जरूर रखें। तो अगर ये वाली सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, इससे का हमारा थाइस का एक्स्ट्रा फैट, लेग्स का एक्स्ट्रा फैट एंड टमी का जो एक्स्ट्रा फैट रहेगा एंड हमारे आर्मपिट का जो एक्स्ट्रा फैट वो तो बर्न होगा ही, साथ में हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी प्लस हमारा कोर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मेरा जो सबसे पहला जो एक्सरसाइज रहेगा, आपने क्या करना है, ऐसे दोनों लेग्स को ऐसे रखते हुए पश्चिमोत्तासन में आपने बैठना है, ठीक है। अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, सामने की तरफ देखना है, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच करें, लेग्स आपके ऊपर उठे होने चाहिए, मीन्स अंदर की तरफ करने हैं, लेग्स के नीचे से आपका गैप नहीं होना चाहिए, पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर जिनसे ऐसे नहीं बैठा जा रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, अपने हैंड्स का ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं, एंड इससे क्या होगा कि पीठ आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो ऐसे बैक पोस्चर भी सही होगा, और पेट जब अंदर की तरफ खींचेगा तो पेट का जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा, ठीक है। पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ खींचना है, हमारा टारगेट है कि हमने अपना टमी, थाइस, लेग्स एंड हमारा आर्मपिट का जो एक्स्ट्रा फैट को बर्न करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी को इनक्रीज़ करना है। अपने दोनों हैंड्स को रेज करना है ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए, ऐसे पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ खींचना है, पूरा इस पोजिशन में आपको 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है, काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड धीरे से अपनी बॉडी को नीचे की तरफ लेके जाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग धीरे धीरे, एंड पैरों की जो टोज है उनको टच करना है, पूरी इस पोजिशन में जो है 5 सेकेंड तक होल्ड रखना है 1, 2, 3, 4, 5। फिर से धीरे से एक्सहेल करना है एंड वापस आना है। तो इस तरह से हमारा सर्कल कंप्लीट होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 हमारा आर्म्स ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, जिससे हमारा आर्म्स का एक्स्ट्रा फैट वर्न होगा प्लस हमारा फ्लेक्सिबिलिटी शोल्डर का इंक्रीज होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20 पे हम डीप स्ट्रेच करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हमारा जो हेड है हमने अपने नी पे टच करवाना है, इससे हमारा हिप्स का फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, लेग्स का लेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड एक्सरसाइज इंप्रूव होगा, कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, प्लस हमारा जहाँ जहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैट होगा वो बर्न होगा। और थोड़ा डीप स्ट्रेच एंड होल्ड करना है आपने 10 सेकेंड। हुए हमारा आर्म का स्ट्रेचिंग बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे आर्म्स को रखते हुए पैरों के थंब्स को होल्ड करना है, बैक को स्ट्रेच करते हुए सामने की तरफ देखें, एंड धीरे से हैंड्स को रेज करते हुए इस तरह से हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी हम इसी पोजीशन में बैठते हुए हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएगा, तो आपने क्या करना है, अपने लेग्स को ऐसे धीरे से आपने इस पोजीशन में लेके आना है, एक लेग को हमने बेंड किया, फिर धीरे से दूसरे लेग को भी हमने साथ में बेंड करना है,
जो हमने पहली एक्सरसाइज की पश्चिमोत्तासन, उसके आपने क्या करना है, 20-20 के जो 5 सेट्स करने हैं, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। ये जो मेरा सेकंड एक्सरसाइज है ये हमारा रहेगा, हमने पश्चिमोत्तासन से जाते हुए हमने उष्ट्रासनासन में आना है, ठीक है। पहले मैं अर्ध उष्ट्रासनासन करके दिखाऊंगी, फिर हम फुल उष्ट्रासनासन करेंगे, मीन्स आप इसको कैमल पोज कह सकते हैं। हमने पहले फॉरवर्ड बेंडिंग किया, अभी हमारा कैमल पोज का स्ट्रेचिंग। अभी ये जो है हमारा हैप्पी पोज, मीन्स आप इसको चाइल्ड पोज भी कह सकते हैं, बट इसमें हमारा हिप्स रहेगा, हमने फ्लोर के साथ टच करना है, हमारा जो हील्स रहेंगे हमने हिप्स के साथ टच करवाने हैं, और इस पोजीशन में जो है आपने 10 सेकंड तक होल्ड रखना है अपने हैंड्स को रेज करते हुए, ठीक है। इसको आप रिलैक्सिंग पोज भी कह सकते हैं, एंड दोनों हैंड्स को आपने फ्लोर पर लगाते हुए अपने हेड को फ्लोर पर टच करवाना है, 5 सेकंड तक होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, एंड धीरे से वापस आना है, ठीक है। ज़्यादा गैप नहीं रखना है, फिर आपने क्या करना है, वज्रासनासन में आ जाना है। इससे क्या होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, अगर जब हम वज्रासनासन की स्थिति में बैठते हैं तो हमारा नीज जॉइंट स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, एंकल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगा, एंड प्लस हमारा बड़ा हो जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी इससे बर्न होगा, बैक पोस्चर से ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम वज्रासनासन में आ गए हैप्पी पोज से, अभी हमने अपने घुटने के बल में हमने आना है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से पोजीशन होगा, तो आपने क्या करना है, अभी मैं पहले अर्ध उष्ट्रासनासन करके दिखाऊंगी। तो ऐसे आपने हैंड्स को सामने की तरफ करते हुए एक हैंड को आपने पीछे रखना है ऐसे करते हुए, ठीक है। इस पोजीशन में जो है 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर एक हैंड को ऐसे आपने आगे लेके आना है एंड दूसरे हैंड को आपने पीछे रखना है, फिर सामने की तरफ देखना है, 1, 2, 3, 4, 5। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा बैलेंस इंप्रूव होगा, हमारा नीज का स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, एंड पैरों में भी रिलैक्स मिलेगा, प्लस हमारा थाई का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, एंड जहाँ जहाँ का जो एक्स्ट्रा फैट है थाईज का, हमारा लेग्स का, या हमारा टमी का, या फिर आर्म्स का, वो तो वर्न होगा ही, कोर स्ट्रेंथ के साथ आपका मीन्स आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, प्लस कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। अभी हम फुल उष्ट्रासनासन करेंगे, अपने धीरे से इनहेल करना है एंड अपनी बॉडी को थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड करना है, बैठना है एंड फिर इस तरह से सर्कल कंप्लीट होगा, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो रहेगा, हमने हैंड्स को हील्स के साथ टच करना है, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एंड वापस पोजिशन में आते हुए रिलैक्स। आज की एक्सरसाइज में बस इतना ही, आई होप आज का जितना भी मेरा वर्कआउट था आपको काफ़ी हेल्प करे एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए।
आपको स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो इस सेट का भी आपने क्या करना है, 20-25 सेट करना है, 5 राउंड में उसको कंप्लीट करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ।